हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं इस YouTube चैनल में आप सभी लोगों का दिल से बंधुवत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आपने अभी तक हमारा ये YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को ऑन करना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों, इस वीडियो में हम इन्वेस्टिंग से संबंधित कुछ स्टॉक्स देखने वाले हैं। बहुत अच्छे से परफॉर्मेंस हमें आज के डे में इन स्टॉक्स के ऊपर देखने को मिला है और हम इनके कुछ इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स को समझने का प्रयास करेंगे। हमारे पास पहला स्टॉक से दोस्तों ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज का, अभी आप देख पा रहे होंगे करंट में इसका जो प्राइस देखने को मिल रहा है 3,874.95 में, ये करंट प्राइस हमें देखने को मिला। आज इस स्टॉक्स के ऊपर 154.20 का बढ़त मिला है। प्रतिशत वाइज देखेंगे तो 4.14% का बढ़त देखने को मिला इस स्टॉक्स के ऊपर। इसके चार्ट पैटर्न्स को अगर हम देखेंगे तो ये देखिए ऑल टाइम हाई इस स्टॉक्स में हमें देखने को मिल रहा है। यहाँ पे देखिए एक रिजेक्शन पॉइंट था, कंसोलिडेशन एरिया था, या इसके बाद एक ब्रेकआउट होता है, फिर ये कंसोलिडेशन एरिया है, इसके बाद फिर यहाँ पे फिर ये कंसोलिडेशन एरिया है और फिर यह ब्रेकआउट कर रहा है अपने ऑल टाइम हाई की ओर निकलने की कोशिश में है। तो इस स्टॉक्स के ऊपर एक मूवमेंट्स आने की प्रॉपर टाइमिंग हमें देखने को अब मिल रहा है, या वह टाइम आ चुका है जब यह स्टॉक प्रॉपर एक मूवमेंट्स हमें अच्छा सा देखने को मिलेगा इसमें, क्योंकि कंसोलिडेशन के बाद कोई भी स्टॉक काफी दिनों से कंसोलिडेशन फेज में था, अब इसने ब्रेकआउट किया हुआ है अपने रेंज को, तो प्रॉपर इस स्टॉक्स के ऊपर बहुत अच्छा पैटर्न हमें देखने को मिल रहा है। अभी इस स्टॉक्स के हम प्रॉफिट रेशियो को देखें, एनुअल हम देखते हैं। सबसे पहले 2017 का देखेंगे, 17 में हमें जो देखने को मिल रहा है, देखिए रेवेन्यू इसका 90.18 बिलियन है और नेट इनकम इनका 8.84 बिलियन है, ये 2017 की बात है। उसके बाद हम देखेंगे 2018 में, तो यहाँ पे देखिए 2018 में नेट जो इनकम है वह बढ़ के हो गया है 10, 17 में था 8 और यहाँ हो गया है 10 और रेवेन्यू 98.87 बिलियन है। प्रतिशत वाइज चेंज देखेंगे तो 9.63% का चेंजिंग हमें देखने को मिला है इस कंपनी के ऊपर। 2019 की बात करें तो देखिए यहाँ 2018 में 10 था, यहाँ 11.52 बिलियन हो गया और रेवेन्यू इसका 110.32 बिलियन हो गया है। सेम 2020 की बात करें तो यहाँ देखिए बढ़ गया, 14 हो गया और यहाँ 115। 2021 देखें तो 18.64 और रेवेन्यू इसका ये हो गया। ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है दोस्तों ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज के ऊपर। आज के हम होल्डिंग देख लेते हैं, होल्डिंग पैटर्न्स क्या है इसके ऊपर का। यहाँ पे मैं सर्च करूंगा ब्रिटानिया इंडस्ट्री के बारे में हम आज का, ये देखिए पोजीशन जो क्वांटिटी गया है वह है 38.76। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं दोस्तों, इसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर यहाँ पे हम देखेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका जो जनरल मीटिंग होने वाला है वह 30 अगस्त को एनुअल जनरल मीटिंग होगा और इसके शेयर होल्डर पैटर्न्स की हम बात करें तो फाइनेंशियल रिजल्ट प्रोमोटर्स डिटेल में वो थोड़ा सा भी प्लेज मार्जिन कहीं पे हमें देखने को नहीं मिल रहा है। प्रॉपर देखें तो कंपनी एक बहुत अच्छा है और इसका जो मूवमेंट्स अभी फिलहाल देखने को हमें मिला है वह ऐसा लग रहा है जिस तरीके से इसमें काफी अच्छे से ब्रेकआउट होने का संभावना व्यक्त हो रहा है इस स्टॉक्स के ऊपर। शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो यहाँ पे प्रोमोटर ग्रुप के पास अभी 50% शेयर है और पब्लिक के पास 49.45 शेयर होल्डिंग ये पड़ा हुआ है। NSE के ऊपर हमें जो देखने को मिल रहा है उसके अनुसार दोस्तों यह स्टॉक ब्रिटानिया इंडस्ट्री एक लंबे रेस का घोड़ा साबित हो सकता है, क्योंकि हर एक सेक्टर एक समय के बाद उसमें ब्रेकआउट आना ही होता है और इसका जो कंसोलिडेशन एरिया है वह यहाँ से हम माने तो 2020 से यह कंसोलिडेशन था और अभी 2021 का अगस्त मंथ चल रहा है तब तक इसमें ब्रेकआउट के सिनेरियो हमें देखने को नहीं मिला, लेकिन आज का जो कैंडल है, आज का जो डे है उसमें हमें ब्रेकआउट सिनेरियो दिखा दिया है। ये देखिए आज जो जिस तरीके के मूवमेंट्स हमें देखने को मिले हैं उसमें कुछ तो खास बात है और इसको आप अगर होल्ड किए हैं या होल्ड करना चाह रहे हैं तो बिल्कुल आप लेके जा सकते हैं, लंबे समय में एक लंबे रिस्क का घोड़ा साबित हो सकता है यह स्टॉक।
आगे स्टॉक की हम बात करेंगे। दूसरा जो स्टॉक्स है हमारे सामने वह है हिंदुस्तान यूनिलीवर का, सेम ग्रुप का कंपनी है। करंट प्राइस हमें देखने को मिल रहा है दोस्तों 2606.90 रुपए का। आज का बढ़त देखेंगे तो 4.86% का हुआ है, 120.85 रुपए का आज का इसमें बढ़त हमें देखने को मिला है। मैक्सिमम टाइम फ्रेम को हम देखेंगे चार्ट पैटर्न्स कुछ, ये देखिए चार्ट पैटर्न्स इसका भी प्रॉपर क्लियर है और ओनली वन अप मूव ही हमें देखने को मिल रहा है। ऑल टाइम हाई आज इसने फिर से ब्रेक किया हुआ है। कोई भी स्टॉक दोस्तों ऑल टाइम हाई जब ब्रेक करता है तो कुछ ना कुछ डे हमें देखने को जरूर मिलता है। और यहाँ पे आप देख पाएंगे एक प्रॉपर ये जो सिंबल होता है, ये इसका अर्थ होता है कि मार्केट में अभी पोटेंशियल बचा हुआ है, मार्केट में अभी मूवमेंट्स बचे हुए हैं। और यह ग्रीन कैंडल हमें देखने को मिल रहा है, जो ग्रीन एरो है वह। इस कंपनी की बात करें तो इसका जो एनुअल रिजल्ट है दोस्तों क्वार्टरली या एनुअल आप देखेंगे तो प्रॉपर बढ़ते हुए देखने को हमें मिला हुआ है इसी स्टॉक्स के ऊपर भी। यहाँ हम 2017 से चेकआउट करेंगे, रेवेन्यू देखिए 2017 का ये है 331 और नेट इनकम 44। फिर आते हैं 2018 में ये देखिए नेट इनकम 52 हो गया। फिर 2019 में नेट इनकम देखिए 16 और रेवेन्यू बढ़ गया, कंटिन्यू बढ़ रहा है। 2020 में 67 हो गया और रेवेन्यू ये देखिए सेम चीज है 2021 में अभी भी 79.95 बिलियन, मतलब 80 बिलियन आप कह सकते हो इसको। रेवेन्यू भी काफी अच्छे से बढ़े हुए हमें देखने को इस स्टॉक्स के ऊपर मिल रहा है। तो यह भी एक लंबे रेस का घोड़ा साबित हो सकता है हिंदुस्तान यूनिलीवर। इसके स्टॉक्स हम देखेंगे यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। हिंदुस्तान यूनिलीवर प्रॉपर यहाँ पे देखिए इसका जो सिग्नल है ग्रीन, ये जो एरो का निशान है वह प्रॉपर ग्रीन है। अप मूव हमें देखने को यहाँ पे मिल रहा है। आज का कारोबार इसके ऊपर देखें तो डिलीवरी बेसिस पे ये देखिए 43.20 का गजब का इसके ऊपर भी बाइंग आज हमें देखने को मिला है और डिलीवरी के लोग काफी अच्छे से उठाए हैं इसको। और 52 सप्ताह का जो हाई हमें देखने को मिला हुआ आज का है यहाँ पे देखिए, और 52 सप्ताह का ये हाई ब्रेक हुआ आज। इस रीजन से काफी अच्छा मूवमेंट्स हमें देखने को मिले हैं और लंबे समय में यह भी एक लंबा रेस का घोड़ा साबित हो सकता है। इसके प्रॉफिट मार्जिन प्रॉपर बढ़ते हुए हमें देखने को मिले हैं और यहाँ पे भी आप देखिए थोड़ा सा भी कुछ भी नहीं है, प्लेज मार्जिन के रूप में 0 है यहाँ भी और यहाँ भी, दोनों प्लेज मार्जिन जो होता है वह 0 है। मतलब प्रॉपर एक फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक हमें देखने को मिल रहा है। यह शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो यहाँ पे प्रोमोटर्स के पास इतने हैं और पब्लिक के पास इतना है। यहाँ पे जो एनएससी दिखाता है पब्लिक का मतलब होता है कि प्रोमोटर्स से अन्य प्रोमोटर्स के बाद जो भी आते हैं वे पब्लिक के रूप में यहाँ पे गिनती करता है, इसलिए ऐसा हमें देखने को मिला। इसमें FII है, DII है, म्यूचुअल फंड्स होंगे, इन सभी का यहाँ पे प्रॉपर डिटेल्स नहीं दिया है एनएससी यहाँ पे। दोस्तों ये दो स्टॉक्स हमारे पोर्टफोलियो में अगर नहीं है तो बिल्कुल एड हो सकते हैं, क्योंकि बहुत ही अच्छे तरीके से इन स्टॉक्स के ऊपर हमें जो पैटर्न क्रिएट होते हुए देखने को मिल रहे हैं वे हैं। और जो मूवमेंट्स आए हैं पिछले कुछ दिनों में वह काफी अच्छा है। यहाँ पे देखिए 188% का प्रॉफिट 5 पेयर्स के अंदर, बहुत ही शानदार स्टॉक्स, ये फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स है। 1 ईयर के अंदर देखें तो देखिए 18% का रिटर्न 1 ईयर के टाइम फ्रेम में, 6 मंथ की बात करें तो 20% का रिटर्न ये देखिए 6 मंथ के अंदर। बेहतरीन स्टॉक्स हमारे सामने है दोस्तों हिंदुस्तान यूनिलीवर और दूसरा है ब्रिटानिया इंडस्ट्री। और एक स्टॉक हम ऐड करेंगे, स्टॉक्स का नाम है नेस्ले इंडिया, सेम ग्रुप से कंपनी है ये देखिए नेस्ले इंडिया दोस्तों। सेम यहाँ पे भी हमें बढ़त देखने को मिला है, ये देखिए 3.11% का करंट प्राइस हमें देखने को मिल रहा है अभी 19,500 का, 589 पॉइंट का आज इसमें बढ़त हमें देखने को मिला। सेम ग्रुप का एक कंपनी है, मैक्सिमम टाइम फ्रेम को देखें चार्ट को तो ये देखिए यहाँ पे एक मूवमेंट्स आया, मूवमेंट्स के बाद कंसोलिडेशन, फिर मूवमेंट्स,
फिर कौन सी गिरावट, फिर कंसोलिडेशन, यहाँ पे कंसोलिडेशन एरिया बोल सकते हैं। इसके बाद ये ब्रेकआउट कर रहा है, मतलब इसमें भी अभी जान बाकी है और यह भी एक लंबे रेस का घोड़ा साबित हो सकता है। नीचे हम देखेंगे इसके जो प्रॉफिट्स हैं दोस्तों, एनुअल हम कर लेंगे 2016 से हम चेकआउट करें तो यहाँ पे देखिए, हम नेट इनकम की बात कर रहे हैं, यहाँ पे नेट इनकम को हम देखेंगे, नेट इनकम आप देख पा रहे होंगे 10.01 बिलियन है। इसके बाद आते हैं 2017 में, 2017 में देखिए 12 हो गया, 2018 में 16, 2019 में 19.68 और 2020 में 20.82 बिलियन। मतलब प्रॉपर हर एनुअल इसका जो नेट इनकम है वह प्रॉपर इस तरीके से मूवमेंट है। अब आप बताइए इस स्टॉक्स में गिरावट क्यों होगा, रीजन क्या है गिरने का? अभी फिलहाल कुछ खास रीजन या कुछ भी नहीं दिख रहा है, प्रॉपर कैश ऑन हैंड इनके पास, ये देखिए फ्री कैश इतना पड़ा हुआ है। और नीचे हम आ जाए तो ये देखिए 2019 में इतना पड़ा था, 2018 में इतना, 2017 में 14 था, 2016 में 8 था और 2020 में अभी देखिए 17 हो गया। मतलब कैश ऑन हैंड भी प्रॉपर बढ़ते हुए हमें देखने को मिल रहा है इस कंपनी के अंदर भी। यहाँ पे हम एनएससी के ऊपर सर्च करते हैं एनएसले, और यहाँ पे जो प्राइस हमें देखने को मिला 19,500 है ग्रीन, ये देखिए एरो जो है वह ग्रीन है, अपसाइड है। आज का डिलीवरी देखें तो 42% आज का बढ़त, 42% आज डिलीवरी मार्जिन में उठाया गया है। और यहाँ पे जो 52 सप्ताह का हाई टूटा वह 19 अगस्त था, मतलब पिछले ट्रेडिंग सेशन, आज 20 है। नीचे हम देखेंगे कंपनी इंफॉर्मेशन में, यहाँ नेट इनकम टोटल इनकम ये है 31 मार्च 2010 का, यहाँ पे दिखा रहा है क्वार्टर इंडेड। ये शेयर होल्डिंग पैटर्न्स दोस्तों, प्रोमोटर्स के पास आप देखिए इतना परसेंटेज है, पब्लिक के पास इतना, पब्लिक कहने का मतलब FII, DII, म्यूचुअल फंड ये सब होंगे इनमें, ये सबको यहाँ पे शो नहीं कर रहा। प्लेज मार्जिन देखें तो 0 है। ये देखिए कंपनी का जो परफॉर्मेंस है दोस्तों, ये काफी दिनों से एक पैटर्न में क्रिएट हो रहा था, चार्ट पैटर्न के अनुसार साइडवेज पैटर्न था, लेकिन अब इसने ब्रेकआउट किया हुआ है तो मूवमेंट्स तो आना ही है। और अगर आप इन्वेस्टिंग करना चाह रहे हैं, इन्वेस्टमेंट में है, तो फिर तो ये लंबे रेस का घोड़ा साबित होने वाला एक स्टॉक्स है। तो दोस्तों ये इंपॉर्टेंट स्टॉक्स थे तीन, जिनके नाम मैंने अभी आपके साथ शेयर किया हुआ है। अगर आपके पोर्टफोलियो में अभी नहीं है, आप सोचिए देखिए और एड कर लीजिए बिल्कुल, क्योंकि ये आपके पोर्टफोलियो को हमेशा सजा के रखेंगे, बना के रखेंगे। तो साथियों इस वीडियो में इतना ही कहना चाहूंगा, अगर आपने हमारा टेलीग्राम नहीं जुड़ा है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा टेलीग्राम का लिंक, वहां से चेक कीजिए और जाके जुड़ जाइए। तो इस वीडियो में इतना ही, वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।